गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई रश्मि मैम वेलकम यू ऑल इन माई ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बायोलॉजी. सो ओवर हियर टुडे इन चैप्टर पॉलिनेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल वेज ऑफ द पॉलिनेशन. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट ऑल दीज थ्री थिंग्स दैट हाउ ऑटोगैमी, हाउ गियटोगैमी एंड एरोगैमी वर्क्स. ऑटोगैमी का मतलब होता है ऑटो मीन्स सेल्फ एंड गैमी इट हैज़ बीन गिवन एज अ मैरिज यानी कि आपस में शादी. द पॉलन ओवर एयर इन दिस टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन वेयर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा टेक्स प्लेस विद इन द सेम फ्लावर. इस टाइप के पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर यानी कि एंथर से. ये एक तरह ऑटोगैमी एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन जहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में होता है, लेकिन किस में, एक ही फ्लावर में, सेम फ्लावर में, यानी कि सेल्फ मैरिज. ओपनिंग एंड एक्सपोजर ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा आर नेसेसरी फॉर ऑटोगैमी. इस चीज़ में क्या होता है, ओपनिंग, ओपनिंग यानी खुलना और एक्सपोजर मनी यानी कि इन्वायरमेंट में दिखना, एक्सपोज होना, दोनों ही सिचुएशन एंथर और स्टिग्मा के लिए ज़रूरी है, तभी ये ऑटोगैमी हो सकता है. ऑटोगैमी दो कंडीशंस के लिए बहुत ज़रूरी है. पहला, एंथर स्टिग्मा सिंक्रोनाइजेशन व्हेन द पॉलन इज रिलीज्ड स्टिग्मा शुड बी रेडी टू रिसीव. यानी कि जिस समय एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे को सिंक्रोनाइज्ड कर रहे हो यानी मिल रहे हो, उस वक्त जब पॉलन रिलीज्ड होता है तो स्टिग्मा क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए किस चीज़ को, पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए. दूसरा सिचुएशन क्या होना चाहिए, द पोजीशन ऑफ और डिस्टेंस बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा बोथ शुड बी क्लोज एना फॉर पॉलिनेशन. दोनों के दोनों आपस में इतने नज़दीक होने चाहिए ताकि आसानी से उनके बीच पॉलिनेशन हो सके. दोनों के बीच जो डिस्टेंस और पोजीशन होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए. द एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट गिव अ चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. जो एक्सपोज पार्ट होते हैं, जो एक्सपोज यानी कि जो इन्वायरमेंट में खुले हुए रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, वो किस चीज़ को चांस देते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन. वाइल इन द ट्रांसफर स्टिग्मा आर नॉट एक्सपोज बट लाई क्लोज एनफ फॉर ट्रांसफर. कभी कभी ऐसा होता है कि जो एंथर स्टिग्मा वो इन्वायरमेंट पर बहुत तरह से खुले रूप से नहीं नज़र आते, लेकिन वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है. इन गियटोगैमी, गियटोगैमी जो टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन है, हमारा ऑटोगैमी भी सेल्फ पॉलिनेशन था जो कि एक ही फ्लावर पर होता था एंथर टू स्टिग्मा. गियटोगैमी भी सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स इन द सेम प्लांट. सेल्फ पॉलिनेशन है और सेम प्लांट में होता है, बशर्ते क्या होता है, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलन ग्रेन्स है वो एंथर टू द स्टिग्मा टेक्स प्लेस होता है, लेकिन डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. दो इट सीम्स लाइक क्रॉस पॉलिनेशन एंड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर, बोथ द गैमेट्स हैव द सेम प्लांट एज दे देयर ओरिजिन. कहने के लिए गियटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन दिखता है क्रॉस पॉलिनेशन की तरह, क्योंकि सेम ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में ये प्रोसेस होता है, यानी कि नेबरिंग, बगलगीर, गियटोनो मतलब. नेक्स्ट इज योर ज़ेनोगैमी और द एलोगैमी. ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है, अकर होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम ऑफ द फ्लावर ऑफ द टू डिफरेंट प्लांट्स. कहा जाए तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ द प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट.
ज़ियोनोगैमी या आपका एलोगैमी, ये एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन है जहाँ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन होता है एंथर ऑफ वन प्लांट, यानी किसी भी प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर, ये अदर प्लांट्स होते हैं। इन दिस टाइप हैज़ इट्स ओन मेरिट, और इस तरह में ये अपना काम खुद करते हैं। दे लीड्स टू अ न्यू वेराइटी वेयर ऑटोगैमी हेल्प्स टू प्रिजर्व पैरेंटल कैरेक्टर्स। और वहीं आपका ये ऑटोगैमी है क्या करता है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं जिसके थ्रू पैरेंटल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो प्लांट्स के सेम रह जाते, चेंज नहीं होते, बशर्ते एलोगैमी में या ज़ियोनोगैमी में इनके पैरेंटल कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। प्लांट्स हैव वेरियस एडेप्टेशन टू अकम्प्लिश देयर टास्क। इन एडिशन फ्लावर्स डिपेंड ऑन सर्टेन पॉलिनेटिंग एजेंट्स विच कैन आइदर बी बायोटिक और एबायोटिक। दीज बायोटिक और एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज पॉलिनेटर्स। तो ये जो सिचुएशन है ये ज़ियोनोगैमी यानी एलोगैमी में होता है। नाउ हम लोग को पता है कि व्हाट इज पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एंथर मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा फीमेल प्लांट। और ये दो तरह से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब हम बताएंगे कि व्हाट शुड बी हैपन ड्यूरिंग सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाउ इट अकर्स। नाउ टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज़ रेफर्ड टू एज द प्राइमरी टाइप ऑफ पॉलिनेशन एज इट इंक्लूड्स अ सिंगल फ्लावर। आपका सेल्फ पॉलिनेशन आप पिक्चर में देख सकते हो, ओवर हियर इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ फ्लावर प्लांट ए एंड प्लांट बी। दीज आर द टू प्लांट्स वेयर फ्लावर इज बींग पॉलिनेटिंग इन द सेम प्लांट इन द सेम फ्लावर और द डिफरेंट फ्लावर बट द प्लांट इज द सेम। सो ऑटोगैमी एंड गियोटोगैमी बोथ आर अकरिंग इन दिस प्लांट। आप प्लांट ए में देखो तो ऑटोगैमी और गियोटोनोगैमी दोनों अकर हो रहा है। कैसे, प्लांट तो वही है, फ्लावर भी वही है, यानी कि इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, इसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, ये आपका हो गया ऑटोगैमी, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा, इसी प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, यानी कि एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, ये क्या हो गया आपका गियोटोनोगैमी। तो ये दोनों आपका सेल्फ पॉलिनेशन है, यानी कि ऑटोगैमी और गियोटोनोगैमी। वहीं हम प्लांट बी में आप देखिए तो आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, दैट इज़ नोन एज ज़ियोनोगैमी और एलोगैमी, यानी कि एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर पॉलन ग्रेन्स फॉल होते हैं तो वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, एलोगैमी और द ज़ियोनोगैमी। यानी कि एलोगैमी एलो ही मस होता है, अदर गियोटोनोमस होता है आपका बगलगीर और ऑटोमिस होता है अपना सेल। तो ये पिक्चरली और यू कैन से ड्रामेटिकली हम लोगों ने समझ लिया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। किसी भी पॉलिनेशन, और जहाँ बसरते आपकी बात आती है क्रॉस पॉलिनेशन की, तो वहाँ हमें पता होना चाहिए कि बिना पॉलिनेटिंग एजेंट्स के ये क्रॉस पॉलिनेशन अकर नहीं हो सकता है। तो जैसे ही क्रॉस पॉलिनेशन को अकर करवाना है तो हमें क्या ज़रूरत होती है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, लाइक इंसेक्ट्स, बीज, बटरफ्लाइज जनरली डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्लांट्स एंड कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर। नाउ व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑटोगैमी और गियोटोनोगैमी।
सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा रेफर्ड किया गया है प्राइमरी टाइप ऑफ पॉलिनेशन, मतलब ये पहला स्टेप ऑफ पॉलिनेशन है जो इंक्लूड करता है सिंगल फ्लावर, एक अकेला फ्लावर, जहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स होता है व्हेन पॉलन ग्रेन्स फॉल डायरेक्टली फ्रॉम एंथर इनटू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द सेम फ्लावर. दिस प्रोसेस इज अ क्वाइट सिंपल एंड फास्ट विच लीड्स टू अ रिडक्शन इन जेनेटिक डाइवर्सिटी एज द स्पर्म एंड एग सेल्स ऑफ द फ्लावर शेयर सम जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ये क्या है, एक बहुत ही सिंपल और क्वाइट प्रोसेस है लेकिन बहुत ही फास्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीड होता है, किस चीज़ का लीड होता है, रिडक्शन इन जेनेटिक डाइवर्सिटी. रिडक्शन समझ रहे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि जो पैरेंटल कैरेक्टर्स में डिफरेंस होना चाहिए उसका रिडक्शन हो जाता है एज द स्पर्म और जो एग सेल हैं वो फ्लावर के सेम जेनेटिक को लीड करते हैं, वही जेनेटिक को आगे बढ़ाते हैं, न कि इसमें कोई चेंजेस होते हैं. वहीं पे ये सेल्फ पॉलिनेशन कब अकर होता है, ओनली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में. वैसे फ्लावर यानी कि बाइसेक्सुअल यानी कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर हैविंग बोथ द मेल एंड फीमेल ऑर्किड्स. और अगर कोई ऐसे फ्लावर है जो कि यूनिसेक्सुअल हो यानी कि कोई एक सिंगल गैमेट हो आइदर मेल और फीमेल, तो वहाँ पर भी सेल्फ पॉलिनेशन अकर होता है. कैसे? तो एंथर ऑफ द सेम फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. और इफ द फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल एंड बोर्न ऑन द सेम प्लांट दे मस्ट ऑल्सो मैच्योर एट द सेम टाइम. अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं. पहला, द फर्स्ट वन शुड बी सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर्स दैट रिसेसिव कैरेक्टर्स आर इलिमिनेटेड. अब इस सेल्फ पॉलिनेशन में क्या इंश्योर होता है, रिसेसिव कैरेक्टर्स यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स जो कि हमें मेन प्लांट के जैसे दिखते हुए ना मिले उन्हें सेल्फ पॉलिनेशन में हटा दिया, यानी कि पैरेंटल कैरेक्टर्स इसमें प्रिजर्व होते हैं. यानी कि जो सेम पेरेंट्स में हमें मिलते हैं कैरेक्टर्स वैसे ही ऐसे सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो फ्लावर्स मिलते हैं उनमें भी यही सेम, सॉरी फ्लावर कह दिया, प्लांट मिलते हैं उनमें भी यही सेम कैरेक्टर्स होता है. द वेस्टेज ऑफ द पॉलन ग्रेन इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू क्रॉस पॉलिनेशन. इसमें वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन बहुत कम होता है कंपेयर्ड टू क्रॉस पॉलिनेशन. In this process of self-pollination, the purity of race is maintained as there is no diversity in the genes. यानी कि इसमें purity जो होती है वो एकदम बरकरार होती है क्योंकि इसमें diversity in the genes नहीं होती है. और the flowers need not to be large and showy. इसमें flowers को ज़रूरत नहीं है कि वो ज़्यादा बड़े और showy दिखाएं. Scent and nectar need not be प्रोड्यूस्ड बाई फ्लावर्स. और इसमें सेंट या नेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है फ्लावर्स को प्रोड्यूस करने के लिए. इन सेल्फ पॉलिनेशन देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक विंड वाटर एंड अदर पॉलिनेटिंग एजेंट्स. हमारे सेल्फ पॉलिनेशन में कोई भी बाहरी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है इन्हें पॉलिनेट करने के लिए, ना ही पानी की, ना ही हवा की, ना ही कोई इंसेक्ट्स की, क्योंकि जब सेल्फ है तो ये आपस में ही पॉलिनेशन अकर होता है. सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर्स दैट इवन अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट्स हैव अ गुड सक्सेस रेट इन पॉलिनेशन. और इसमें ये एक और चीज़ देखा जाता है कि अगर थोड़ा ही मात्रे में पॉलन ग्रेन्स अगर पॉलिनेट होता है तो फिर भी जो सक्सेस रेट ऑफ पॉलिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. अगर थोड़ा भी ये पॉलिनेट होगा तो
हमारा पॉलिनेशन अकर होगा। एडवांटेज, इसके दो मेजर एडवांटेज हैं, इससे ज़्यादा मेजर एडवांटेज इसमें नहीं है। पहला, हम इसमें ज़्यादा विगर और विटालिटी ऑफ द रेस इज रिड्यूस, यानी कि जो हमें वेराइटीज़ होता है वो ज़्यादा इसमें नहीं निकलते, यानी कि डज नॉट यील्ड न्यू वेराइटीज। दूसरा, द इम्यूनिटी टू डिजीज इज रिड्यूस इन द रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग, और इसमें अपने आप को द वीकर और डिफेक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ द वेराइटी आर ब्रीड कैन नॉट बी इलिमिनेटेड, यानी कि जो इम्यूनिटी टू डिजीज़ होता है, किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता इसमें कम होती, क्योंकि अगर सेम कैरेक्टर है तो वो आसानी से फैल जाता है। ये दो मेन डिसएडवांटेज है इसके अंदर। पहला यही है कि इसमें हमें कोई ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं मिलते, और दूसरा, इसमें इम्यूनिटी टू डिजीज़ इज रिड्यूस्ड इन द रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो डिजीज़ से लड़ने की जो क्षमता होती है वो इसमें कम होती है ड्यू टू द रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग। और वीकर और डिफेक्टिव कैरेक्टर्स भी जो होते हैं इस ब्रीड में हमें ज़्यादा मिलते हैं। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन जनरेशन एट जनरेशन में भी लीड टू वीकनिंग ऑफ द वेराइटी, यही वजह है कि इसमें वेराइटी जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि लगातार सेल्फ पॉलिनेशन अकर होने से हमें सेम कैरेक्टर पैरेंटल कैरेक्टर के मिलते हैं, जिस वजह से इनमें डिजीज़ आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। दैट्स वाई, थैंक यू स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू टूवर्ड्स आवर क्रॉस पॉलिनेशन एंड द एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ योर फर्टिलाइजेशन। टिल दिस, थैंक यू।